जी। राम राम जी। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बॉबी, ठीक हो? बढ़िया। मेरी यार मेरी बात सुन, तू सुनो। लाइव आ, लाइव में थे इस क्या तरह, किस तरह? नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। नया है क्या तू? हमेशा पहले ये बोलो, कहता हूँ, हमेशा मेरी बात तो कहता सुनो, उसके बाद ये कहो कि दुनिया में बहुत सा खून हूँ। बेगुनाहों का गिरता है, अच्छा, कौन गिरता है वो? जो मासूम बच्चे को मारते हैं, बर्मा में मारा गया, कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, उस पे हमदर्दी जता, बस हमदर्दी जता। अच्छा, और ये बेवकूफ ये मत कर, फेसबुक पे नंबर देता है, खुलेआम अपना नंबर देता है, ये मत किया करो। क्यों? नहीं, ये मत किया करो, फिलहाल मेरी बात सुनो मेरे भाई, और ध्यान रखना आसपास, ध्यान रखना आसपास, कौन सी जगह आसपास? जो तुम्हारे पीछे आगे जो कुत्ते मंडरा रहे हैं, कहां पर मंडरा रहे हैं? मेरे को तो दिखे नहीं है। मेरे भाई नहीं दिखेंगे मेरी इस तरह, बात नहीं इस तरह नहीं दिखते भाभी। फिर मुझे मुझे कैसे? प, मुझे मुझे पता है, जो जो तू काम कर रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा, ये हरामजादे ऐसे नहीं दिखेंगे। ओके। मेहरबानी करके जो तू काम कर रहा है उसके साथ हम, तुम्हारे साथ है, उसकी टेंशन मत ले, फिर भी अपना ध्यान रख, ओके, आप कहाँ से ध्यान बोल रख। रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? पिछली टाइम भी फोन किया था मेरे यार, आप कश्मीर से कहाँ? बोल रहा हूँ मैं ओके ओके, आप किस उसमें हैं? जी। आप, आपकी क्या पोस्ट है, क्या काम करते हैं आप? मेरे यार वो मैं नहीं बोल सकता, बस इतना बोल सकता हूँ कि क्यों घबराहट हो रही है क्या? अपना ध्यान रखो, मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा गुरुजी। बस खुश रहो मेरे यार, आसपास कुत्ते हैं, आसपास कुत्ते हैं तो रहने दो, जिसका खुजली होगी वो मिटा देगा, वो भी कटारी अपने आप। खुश रहे खुश रहे, वो बात सही है, मगर अगर पीछे से कोई आता है, गोली पूछ के नहीं निकलती मेरे यार। अरे मेरी जान, हम गोलियों में से आर पार निकाल देते हैं ये बातें मत किया कर मेरे भाई। भाई जी। सुनिए, हाँ, देश मेरा है, मेरा ही तुम्हारा नहीं रहेगा। है, हमारा है। अरे 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 अरे, आप ऐसी बात बोलते ही ना, ये आपकी और मेरे बीच की बात हो रही है अभी। देश तो हाँ हमारा है ये, लेकिन हाँ मेरा है। जब फोन किया है ना तुमने, तो ये देश हाँ मेरा है। मैं आपका लहजा समझ सकता हूँ बोलने का और बात करने का। हाँ आगे कुछ और बोलना चाहेंगे जनाब? बस खुश रहिए, ध्यान रहिए, अपना आसपास रहिए, और जो मैंने बोला लाइव आ जाइए, उसमें ऐसी ऐसी बातें करिए, बस उसके बाद कुछ मत बोलना। को लाइव आने की क्या जरूरत पड़ती है? बहुत बिना कुछ लाइव आए पड़ता है दुनिया समझ तो, जाती है भाई साहब। मेरे यार जो अपने घरों में बैठते हैं ना, जो अपने घरों में बैठते हैं, वो किसी के घर नहीं जाते देखने के लिए, हाँ, वो है कि नहीं, कोई बात वो नहीं। बस न्यूज ऑन करते हैं या मोबाइल देखते हैं कि कोई न्यूज मत है, इसीलिए कह रहा अरे हूँ कि बस कोई ये दिक्कत जता नहीं है, कोई मेरी दिक्कत बात, नहीं। वो भी कोई न्यूज मेरी न्यूज बात में भी सुन, नहीं आएगी ना। मेरी बात तो सुन मेरे यार, सुना ले भाई, तू ये सुना पहले, लेकिन आखिरी में मेरी बात, मेरी जरूर सुन के फोन काटियो। मैं इस तरह फोन नहीं करता, ना मैं इस तरह किसी को फोन करता हूँ। हाँ, तुम्हारे पीछे भी था एक टाइम, मगर सोच रहा था तुझे बोल दूँ, मगर मैंने सोचा मुनासिब नहीं होगा, मजा आ बातों से तो गया। नहीं चलो लगता कि तुम मेरे साथ थे कहीं पर। वो बात तू छोड़ दे मेरे यार, कभी कभार जब मौका मिलेगा तो उस फोटो सेंड कर दूंगा, वो बात तू छोड़, तू बस इतना इतना बता कि जो बेगुना खून गिरता है उस पे दुनिया में कोई कोई भी बात नहीं करता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, बस इतना ही बोल, ओके, बस बस इतना बोल के मैं उससे रख दूँ फोन को?
नहीं, मेरी बात सुन। सुना जब आएगा सस्त्रीकाल, राम राम, अस्सलाम अलैकुम, अच्छा मेरे भाइयों ठीक हो, खुश हो, मेरी बहनों ठीक हो, खुश हो, खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। मुझे बहुत अफसोस है कि दुनिया में इतना बेगुनाह खून गिर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, मगर इस बात पे अफसोस है कि दुनिया में कोई बात तक नहीं कर रहा है। अरे यही इंसानियत है लोगों की, इस तरह बोल बस, ये तुझे बहुत बहुत ज्यादा फायदा, ये फायदा देगी। मैं चाहता हूँ तो इस पे काम कर, बहुत बहुत फायदा देगी तुझे, ये दिल से कह रहा हूँ। और इसके अलावा कोई और काम ना करूँ? ना 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 ना, सब कुछ कर जो तू कर रहा है, सब कुछ कर, मगर बेगुनाहों को, जो बेगुनाह है, कौन है उसके लिए, जो तुम्हारे पास बंदे आते हैं कि फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, उस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और हाँ, तू तो बॉडी बिल्डिंग करता था, वो क्यों छोड़ दी? फूक निकल गई। कैसे पता चला तुम्हें मैं बॉडी बिल्डिंग करता था? मैं कश्मीर में रहता हूँ। ओके, मेरे यार मैं कश्मीर में रहता हूँ, पता है मेरे को हर एक खबर बॉबी के गुड़गांव के रहने की। मैं खुद जुल्म के खिलाफ निकला हूँ यहाँ पर, दिख रहा है वो तो मुझे भी साहब। मेरे यारा बस अब तू बोल, तूने बोला था एंड पे मेरी बात, सीधे फोन रखना। खुदा हाफिज। आपने तो कुछ नहीं बोला। बोला है मैंने, सुनो ढंग से। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज रख दीजिए। हेलो हेलो बॉबी, बोलो। हेलो बॉबी, बोलो यार। अभी फोन किया था मैंने तुझे, हा? और पिछली टाइम भी किया था, ठीक है? तो फेसबुक पे तूने डाला ऐसे ऐसे कि ये धमकी है, चेतावनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे फोन कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं साहब? मेरी बात सुनिए। इस बंदे एक ने कमेंट दिया है, उसने गालियां दी है, माँ की गालियां दी है। क्यों? वजह आपके लिए नहीं होंगे सर। मैंने कोई गाली दी है, कुछ बोला? मैंने क्या बोला? बस इतना बोला कि ए मेरे भाई, बस ध्यान से रहना आप। मैं तो ध्यान से रह रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम, कि गरीबों की मदद करना। आपकी कोई आईडी है? आपका कोई आईडी प्रूफ है? किस लिए चाहिए तुम्हें? मुझे जरूरत है, देंगे। किस लिए चाहिए? कश्मीर आओ, कश्मीर आओगे, आ सकते हो तुम। गुड़गांव आओगे? आ सकते। मैं आ सकता हूँ कहीं पर भी। आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे ही। आ जाओ, एक मिनट। और मैं तो तुम्हारे बंदे तो इंतजार ही कर रहे होंगे, जब तुम्हें इतना पता है कि जिम छोड़ दिया है, ये वो करके सब कुछ पता ही है तुम्हें। हाँ, तो तुम्हें पता है, उसमें कमेंट लिखा है कि बंदा उसमें कमेंट एक लिखा है कि भाई चौकन्ना रहना, कि इसने ऐसी बात है, इसको कैसे पता? हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता कौन क्या कमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरे भाई तू गुड़गांव में है अभी। हाँ। जो मैं हूँ, मैं कश्मीर में हूँ, और मेरे बंदे भी वहाँ पर है। अच्छा, मैं भी जुल्म के खिलाफ हूँ। बस उसने, अजय है उसका नाम, आर्मी में काम करता है, उसने गाली दी है कि कश्मीरियों को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैंने तुमसे तू अभी तू जैसा है, सब तेरे जैसे मत है। मेरे को ना तरीके से रहना आता है, ठीक है भाई जी? सिर्फ आप ये बता दीजिए, आपका आईडी प्रूफ है या नहीं है? आईडी प्रूफ के बगैर नहीं बात होगा कोई नहीं बात करूंगा आगे, ध्यान रखिएगा जी। आईडी प्रूफ है या नहीं है? आईडी प्रूफ उसके बगैर कौन होगा? आईडी प्रूफ के बगैर कौन होगा? मैं आपको फोन करूंगा। आईडी प्रूफ है मेरे पास? हाँ, दे भेज दो एक बार मेरे पास व्हाट्सएप पर। चाहिए? बिल्कुल। चलो मैं आईडी प्रूफ नहीं दे, वो फैक भी हो सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है? आईडी प्रूफ फैक भी हो सकता है, मैं खुद आता हूँ। ठीक है, आप खुद आइएगा। मुझे नंबर एड्रेस कर देना, मैं आ रहा हूँ। जब तुम्हें पता है हम जिम में कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो पता ही होगा ना एड्रेस वगैरह? नहीं, ये तुम अभी यहाँ पर, जहाँ पर अभी हो, अभी वहाँ पर से, वहीं से निकलोगे? हाँ, मैं वहीं से ही निकलूंगा। और हाँ, और मुझे पता है तू कहाँ जाएगा इसके बाद। ठीक है, कहाँ जाऊंगा इसके बाद? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ जाएगा, वो भी मुझे पता है। मैं नहीं बोलूंगा कहाँ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मैं तेरे पास,
मैं वही आऊंगा तो तेरे बात पास। बता रहा हूँ, जब इतना पता है कश्मीर के लोंडे तुझे कि वो भी कहाँ जाएगा यहाँ से निकलने के बाद, तो कश्मीर फिर के लौंडे नहीं है वहां पर। कहाँ पर क्या है फिर यहाँ पर? ये यार तू ये क्यों लेके चलता है? तू शायद ये धमकी होगी, ये होगी। मैं तुम्हें धमकी क्यों दूंगा? अगर अभी धमकी क्या देनी होगी तो खुद ऐसे ही दे देता, या तो फेसबुक पे तुझे कमेंट करता। ये कौन सी आदित्य बात से है कहा यार? अपना मिलेगी नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। आ जा, जब पता है हाँ तेरे को मैं कहाँ से मुझे निकलूंगा तो उस गेट के वहीं पे मिलियो ना मुझे। चलो कोई बात, एक बात, जब मैं आऊंगा हाँ जहां पर भी तू होगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि मेरा नाम फिदा है, बस। ठीक है, फिर हम दोनों बात करेंगे, तभी देखते, ठीक है? चल ठीक चल, राम राम है भाई, है, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। राम राम।